हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ पग डॉग ब्रीड, पग डॉग ब्रीड को रखने के क्या फायदे हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पग डॉग ब्रीड जो कि एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है जिसको इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, और इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में भी इस डॉग ब्रीड को बहुत शौक से रखा जाता है। पग को रखना नहायत ही आसान होता है क्योंकि ये डॉग ब्रीड छोटी जगह पे भी इजीली रह सकती है। मोस्टली लोगों को डॉग रखने के लिए बड़ी जगह देखनी पड़ती है, लेकिन पग एक ऐसी डॉग ब्रीड है अगर आप एक कमरे के घर में भी रहते हो तो भी आपके साथ इजीली एडजस्ट कर सकता है। सेकेंड बड़ा बेनिफिट है इस डॉग ब्रीड को रखने का, दैट इज पग को आपको एक्सरसाइज करवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये डॉग ब्रीड को मोस्टली सोना पसंद होता है, आपके साथ बेड पे चिल मारना, सोफे पे बैठ के आपके साथ टीवी देखना, आपका एक अच्छा कंपेनियन बनना, आपके सुख दुख में आपका साथ देना, यही इस डॉग ब्रीड का काम होता है। इनको मोस्टली सोना बहुत पसंद होता है, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करना इस डॉग ब्रीड को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मोस्टली मैंने पग्स का एटीट्यूड ऐसा भी देखा है कि इनको बाहर जाना भी पसंद नहीं होता, इनको हर चीज़ अपने घर में ही नज़र आती है और ये अपने घर में ही सारी चीज़ें इन्जॉय कर लेते हैं। सो गाइज इस टाइप की डॉग ब्रीड उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो कि डॉग को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, मोस्टली ऑफिस में रहते हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा सकते डॉग को, क्योंकि इस डॉग ब्रीड को एक्सरसाइज रिक्वायर्ड होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। स्मॉल साइज़ के होने के साथ साथ ये घर में चल फिर के ही अपनी एक्सरसाइज को पूरा कर लेता है। थर्ड बड़ा बेनिफिट है पग डॉग ब्रीड को रखने का, दैट इज इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट। पग डॉग ब्रीड को खरीदना तो आसान होता है लेकिन उसको मेंटेन करना भी आसान होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि डॉग्स को लोग परचेज कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उसके एक्सपेंसेस उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस डॉग ब्रीड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बीइंग अ स्मॉल साइज डॉग ब्रीड, इस डॉग ब्रीड का खाने का खर्चा भी बहुत कम होता है। जितना भी आप डॉग फूड लेके आओगे वो ऑलमोस्ट 2 महीने तक चल जाएगा, वेयर एज अगर आप कोई लार्ज साइज की डॉग ब्रीड रखोगे तो वो 1 महीने में ही वो खाना खत्म कर देगी। तो इसके एक्सपेंसेस अगर हम बात करें, खाने के एक्सपेंसेस जो है वो मेन एक्सपेंस होता है डॉग का, वो भी कम है। इसको डेली ग्रूमिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, वो भी आपका एक्सपेंस कम हो गया। और पग डॉग ब्रीड को कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ घर में रखोगे तो ये बीमार भी बहुत कम होते हैं, तो वेट का खर्चा भी आपको बच जाता है। सो गाइस मेंटेनेंस कॉस्ट डॉग की मेन कॉस्ट होती है जो कि इस डॉग ब्रीड में बहुत कम है। फोर्थ जो बेनिफिट है दैट इज पग को आप इजीली अपने साथ कहीं पर भी लेके जा सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो और आपके पास एक अच्छी सी गाड़ी है तो आप इजीली अपने डॉग को भी साथ लेके जा सकते हो। इस डॉग ब्रीड को आउटिंग्स करना पसंद होता है लेकिन सिर्फ अपने ओनर के साथ। ये डॉग ब्रीड आपकी गाड़ी में आपके साथ मस्त बैठ के कहीं पे भी जा सकती है, जहाँ पे भी आप इसको लेके जाना चाहते हो। मोस्टली जिन्होंने पग्स रखे हुए हैं वो इस डॉग ब्रीड को जानते हैं कि पग को भी आप अपने साथ ईजिली ट्रैवल कर सकते हो। ये ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट नहीं करते और अपने ओनर को ज़्यादा तंग भी नहीं करते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पांचवा बेनिफिट है दैट इज पग डॉग ब्रीड बहुत ही शांत डॉग ब्रीड है, बहुत शांति में रहने वाली डॉग ब्रीड है। मोस्टली स्मॉल साइज की जो डॉग ब्रीड्स होती हैं लाइक बीगल को अगर आप अपने साथ रखते हो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आपके घर को बहुत जल्दी मैसअप कर देते हैं। लेकिन पग एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसको सुकून में रहना पसंद है, और जब भी आप इस डॉग ब्रीड को देखोगे ये मोस्टली रेस्ट ही कर रहे होंगे, या तो सो रहे होंगे या रेस्ट कर रहे होंगे। तो गाइस इस टाइप की डॉग ब्रीड को मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं कि हमें ऐसी डॉग ब्रीड मिल जाए जो बिल्कुल सुकून में रहे, हमारे साथ रहे और इसको ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना करवानी पड़े और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो। सो गाइस इतनी सारी चीज़ें होने के साथ साथ ही दिस इज़ द रीज़न पग डॉग ब्रीड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। इसको वोडाफोन डॉग भी कहा जाता है और बहुत लोगों ने इस डॉग ब्रीड को बहुत शौक से रखा हुआ है। सो गाइस पाकिस्तान के अंदर भी ये डॉग ब्रीड अवेलेबल है। अगर प्राइसेस की बात कर लें इंडिया के अंदर आपको मिल जाएगा अराउंड 10 to 15,000, लेकिन अगर क्वालिटी बढ़ाओगे पेडिग्री की तरफ जाओगे तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की बात करो तो 40,000 से लेके 60,000 तक आपको टॉप नॉच क्वालिटी का पग मिल सकता है। अगर आपने खरीदने से पहले ये चीज़ देखनी है, यू हैव टू चेक द प्योरिटी ऑफ पग। आपको नहीं पता कि मैं पग डॉग ब्रीड लेना चाहता हूँ लेकिन मुझे उसकी प्योरिटी के बारे में नहीं पता, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, हाउ टू चेक प्योरिटी ऑफ अ पग डॉग ब्रीड। अगर आप वो देख लोगे जाके तो आप पैसा लगाने से पहले काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने किस टाइप की डॉग ब्रीड लेनी है। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।